हैदराबाद नगर निगम के शुरुआती नतीजों के बाद टीआरएस ऑफिस में सन्नाटा पसरा है। जिस तरह पोस्टल बैलेट्स की जो है गिनती हो रही है, उसमें भी कांग्रेस को सिर्फ एक जगह से जो है सफत हासिल हो रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने जिस तरह मुहिम चलाई, तो उससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि कांग्रेस जो है यहाँ पर कांग्रेस का तकरीबन जो है इस इलेक्शन में सफाया हो जाएगा, इस तरह महसूस हो रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि अभी जो है इक्का दुक्का जो है यहाँ पे टीआरएस के कार्यकर्ता कारकुन और लीडरान का सिलसिला जो है आने आमद का सिलसिला जारी हो चुका है। यहाँ मेरे साथ एक टीआरएस के लीडर आए हैं। भाई क्या क्या कितना जोश है, आपने यहाँ पर क्यों आए हैं अभी? आप शुरुआत है, इंशाल्लाह ज़रूर हमारे मेयर रहेंगे, सीट्स हमारे आएंगे इंशाल्लाह। अब तो बैलेट पेपर से फर्स्ट राउंडिंग शुरू होने वाली है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द कामयाबी तो ज़रूर होगी। बैलेट पेपर्स में जो पोस्टल बैलेट्स की जो गिनती हो रही है, उसमें बीजेपी को ज़बरदस्त रिस्पांस हासिल हुआ है। बहुत दूर हैं आप लोग बीजेपी को, तकरीबन कहा जा रहा है कि 80% जो है वोट हासिल हुए। आप क्या समझते हैं, कहाँ पीछे रह गए आप? पोस्टल बैलेट का जो मैनेजमेंट है उसको जो है सही तरीके से अंजाम देने में कहाँ पीछे रह गए? नहीं, पीछे तो नहीं रहे, बैलेट पेपर से उसमें 8-10 में से 8 उनको आ रहे, 6 हमको आ रहे हैं। सब बैलेट पेपर का तो कोई ज़्यादा धमाका नहीं है वो। अब जो है पब्लिक, जो हमारी लोकल जो पब्लिक है, वो लोग वोट डालेंगे जब धमाका जब मालूम होंगे।